यही दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि शैक्षिक तकनीकी यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की मीनिंग क्या होती है, इसकी अर्थ, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है और इसकी प्रकृति क्या है। इन सारी चीजों को जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जो तीन उपागम है, देयर आर थ्री अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर अप्रोच, सिस्टम अप्रोच और सॉफ्टवेयर अप्रोच, कठोर उपागम, मधुर शिल्प उपागम, सॉरी ओके हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम अप्रोच, यानी कि कठोर उपागम, कोमल उपागम और प्रणाली उपागम के बारे में। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि शैक्षिक तकनीकी की जो चार प्रकार हैं, टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, यानी कि शैक्षिक शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी और अनुदेशन रूपरेखा। तो सारी चीजों के कंप्लीट डिस्कशन करने वाले इस वीडियो में, एक मैराथन क्लास होने वाला है। इस वीडियो से आपके डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होता है। दोस्तों, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आप नाम से ही देख सकते हैं कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। इसके शाब्दिक अर्थ की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का यूज, शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का इस्तेमाल, इसका शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। अब जो टेक्नोलॉजी है वो भी दो शब्दों से मिलकर है, टेक प्लस लॉगोस, और लोगोस का मतलब होता है विज्ञान, अर्थात शैक्षिक तकनीकी की जो मूलभूत अवधारणा और जो मूल कॉन्सेप्ट है ना जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, वो यही है कि एजुकेशन के फील्ड में आप वैज्ञानिक ज्ञान, सिद्धांत, प्रयोगों का इस्तेमाल करते हैं ना। जब शिक्षा के क्षेत्र में आप वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांत का जब उपयोग करते हैं तो वास्तव में वही शैक्षिक तकनीकी कहलाती है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहलाती है। अब आइए थोड़ा इसका उसको थ्योरी के रूप में देखते हैं कि आप एग्जाम्स में इसको कैसे लिखेंगे, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या होगी। तो दोस्तों, एग्जाम्स में अगर लिखने की बात करें तो क्या आप लिखेंगे कैसे, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि शैक्षिक तकनीकी की अर्थ, शैक्षिक तकनीकी दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और तकनीक, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, अतः शैक्षिक तकनीकी को समझने के लिए शिक्षा और तकनीक को समझना आवश्यक है। हमने लिख दिया फिर से, शिक्षा प्लस तकनीक इज इक्वल टू शैक्षिक तकनीक। और शिक्षा के बारे में प्लूटो ने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में नैतिकता का विकास करता है। तो यह शिक्षा वो है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में नैतिकता का विकास करता है। और तकनीक के बारे में, दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रयोग तकनीकी कहलाता है, अर्थात इसका तात्पर्य किसी भी प्रयोगात्मक कार्य से है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान या सिद्धांत प्रयोग किए गए हो। तो शिक्षा का मतलब क्या हुआ, आपके जो नैतिकता का विकास करे, और तकनीकी का मतलब वो हुआ जहाँ पर वैज्ञानिक ज्ञान और सिद्धांत इस्तेमाल किए गए हो। तो शैक्षिक तकनीकी को हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांतों का प्रयोग कर छात्रों में अच्छे व्यवहार, संस्कार तथा नैतिकता का निर्माण करना ही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। कहने का मतलब है कि शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान और सिद्धांतों का प्रयोग। तो दोस्तों, ये हो गई शैक्षिक तकनीकी अर्थ के बारे में। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो रॉबर्ट ए कॉक्स ने क्या कहा था कि मानव की सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस टू मैंस लर्निंग कंडीशंस कॉल्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और अगर हम शिव के मित्रा जी की बात करें, उन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी कि शैक्षिक तकनीकी को उन पद्धतियों तथा प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैन बी कन्विंस्ड एज अ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड मेथड बाई विच एजुकेशन गोल्स कुड बी रिलीज्ड या फिर अचीव्ड। तो दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांतों का प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। अब आइए बात करते हैं कि शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता क्या है, हम शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ज्ञान का प्रयोग क्यों करें भैया, आखिर इसका मतलब क्या है, हमारी नीड क्या है, आवश्यकता क्या है। तो आप लिखिए कि शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, आप नॉर्मल बोर्ड पर पढ़ाते हैं, उससे अच्छा अगर आप डिजिटल बोर्ड पर चीज़ों को समझा के दिखा के पढ़ाएंगे तो शिक्षण प्रक्रिया सरल बन जाएगी, रुचि इंटरेस्टिंग बन जाएगी, अफेक्टिव प्रभावशाली बनेगी और शिक्षण को अस्थाई बना सकते हैं आप, और ज्ञान का संचय एवं प्रसार करने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, ज्ञान का संचय और प्रसार का मतलब, आप मान लीजिए इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए या लिंक को कॉपी कर लीजिए, तो आपने संचय कर लिया,
और आपने ये प्रसार कर दिया, मतलब अगर आप वीडियो को शेयर कर देते हैं तो आपने ज्ञान का प्रसार कर दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, टेक्नोलॉजी का देन है। तो शिक्षा में इसकी आवश्यकता ये भी है कि आप ज्ञान को संचय भी कर सकते हैं और प्रसार भी कर सकते हैं। तो चलिए प्रसार कर दीजिए, अगर आपने नहीं शेयर किया चलिए वीडियो के बाद में शेयर करिएगा, पहले इस चीज़ को कम्प्लीट करते हैं। समय व ऊर्जा की बचत के लिए, ऑब्वियस सी बात है समय और ऊर्जा की बचत भी होती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से। अब आइए इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति यह है कि यह वैज्ञानिक शैक्षिक तकनीकी का आधारभूत सिद्धांत है, सॉरी विज्ञान शैक्षिक तकनीक का आधारभूत विषय है, मतलब ये विज्ञान पर आधारित है, वैज्ञानिक है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा पर विज्ञान तकनीकी का प्रभाव अध्ययन करती है, ठीक है। और इसकी एक और प्रकृति यह है कि शैक्षिक तकनीकी में व्यवहारिक पक्ष को अधिक महत्व दिया जाता है, आपके बिहेवियरल पॉइंट्स को यहाँ पे फोकस किया जाता है, आपको सीखने सिखाने पर व्यवहार पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और शैक्षिक तकनीकी निरंतर विकासशील है, हो सकता है आज आप मोबाइल से पढ़ रहे हो, कुछ नई टेक्नोलॉजी आगे आ जाएगी, तो ये क्या है, निरंतर विकासशील विषय है। और यह मनोविज्ञान इंजीनियरिंग आदि विज्ञानों की सहायता लेती है। इसकी प्रकृति ये भी है कि इसमें छात्र छात्रा तकनीकी प्रक्रियाओं को एक साथ समावेशित कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए शैक्षिक प्रौद्योगिकी तकनीकी के क्षेत्र के बारे में बात कर लें कि शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र क्या क्या है, आप कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं। अधिगम के लक्ष्य तथा उद्देश्य चिन्हित करना, अधिगम वातावरण का नियोजन करना, विषय वस्तु की खोज करना तथा इसे संचित करना, संचरित करना, स्ट्रक्चरिंग करना, और साथ ही साथ उपयुक्त शिक्षण व्यूहों की रचना करना, स्ट्रैटेजी बनाना टीचिंग के लिए, स्ट्रैटेजी बनाना और सिखाने का अधिगम संचार का चयन करना, अधिगम व्यवस्था की प्रभावशालीता एवं का मूल्यांकन करना। यहाँ पे आइए, पहले एग्जाम्स चेक करने में पेपर टाइम लगता था, आजकल OMR सीट आ गया। OMR सीट का मतलब क्या हुआ, आप एक बार विकल्प पे टिक करिए, कंप्यूटर से आपका चेक होके नंबर मिल जाएगा। तो मूल्यांकन भी क्या हो गया, इसका क्षेत्र हो गया। और विषय में प्रभावशालीशीलता बढ़ाने के लिए मूल्यांकन के आधार पर वंचित सूझबूझ प्राप्त करना। तो दोस्तों ये सब उसके क्षेत्र हो गए कि कहाँ कहाँ पे शैक्षिक तकनीकी का उपयोग। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको शैक्षिक तकनीकी समझ आया होगा, बहुत आसान से शब्दों में, अपने शब्दों में आपको समझना है, ठीक है, कि शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का यूज। अब इसकी यूज क्या है वो भी समझ में आ गई होगी, इसकी विशेषता, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये भी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन शैक्षिक तकनीकी के उपागम। अच्छा, आपने एक चीज तो जान लिया कि शिक्षा के क्षेत्र में हम वैज्ञानिक ज्ञान और सिद्धांत का उपयोग करते हैं, वो शैक्षिक तकनीकी कराते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आज के जमाने में आज के क्लास स्मार्ट क्लासेस चलते हैं, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, आप भी मोबाइल से पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये चीजें आप, जैसे कि मोबाइल हो गया, डिवाइस हो गया, आपका स्मार्ट क्लासेस का वो बोर्ड हो गया, ये सारे पार्ट्स हार्डवेयर पार्ट्स हैं, यानी कि आप इसको छू सकते हैं, राइट। ये चीजें हो गई विज्ञान की एक बात, इसको आप छू सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आप देखेंगे मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान में एग्जाम्पल्स लाइक आपको मोटिवेशन देना है, किसी को फीडबैक लेना है, तो आप अगर किसी को मोटिवेट करके पढ़ाते हैं तो आप उसके मोटिवेशन को टच नहीं कर सकते, राइट। मोटिवेशन मनोविज्ञान भी एक प्रकार का विज्ञान है, शिक्षा में मनोविज्ञान का इस्तेमाल करना भी तो विज्ञान का इस्तेमाल करना ही है। लेकिन कुछ मनोविज्ञान जैसे कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, थॉर्नडाइक कहते हैं कि अगर किसी बच्चे को सिखाना है तो उसको प्रयास और त्रुटि, यानी कि त्रुटि करेगा उसके आधार पर वो सीख जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है आप इसको छू नहीं सकते, ये मनोवैज्ञानिक एक सिद्धांत है, राइट, लेकिन हाँ है तो विज्ञान का सिद्धांत। तो जब पहला एग्जाम्पल था कि हम मोबाइल से पढ़ाते हैं सॉफ्टवेयर, सॉरी मोबाइल से पढ़ाते हैं, किसी डिवाइस से पढ़ाते हैं, स्मार्ट क्लासेस से पढ़ाते हैं, प्रोजेक्टर से पढ़ाते हैं, लैपटॉप से पढ़ाते हैं, कंप्यूटर से पढ़ाते हैं, तो ये जो सारे डिवाइसेस है ना वो हार्डवेयर पार्ट में, इसको हम छू सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में हार्डवेयर पार्ट यानी कि इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का यूज करना ये कठोर शिल्प उपागम होता है, यानी कि हार्डवेयर अप्रोच होता है। ठीक उसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल करना शिक्षा के क्षेत्र में ये कोमल शिल्प उपागम यानी कि सॉफ्टवेयर अप्रोच होता है, कि आप मनोवैज्ञानिक ज्ञान और सिद्धांतों का प्रयोग करके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक ज्ञान और सिद्धांत प्रयोग कर, तो ये हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर अप्रोच। प्रणाली उपागम क्या होता है, प्रणाली उपागम एक पुल है जो इन दोनों को नियंत्रण रखती है, मतलब एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जहाँ पे आप हार्डवेयर अप्रोच भी यूज कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर अप्रोच भी कर रहे हैं, एक सिस्टम, एक संगठन की बात करती है, एक विद्यालय स्कूल संगठन की बात करती है, जो पूरा नियंत्रण रखता है कि क्या सच में हार्डवेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर अप्रोच की यूजेस सही किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे। तो इस प्रकार के उपागम को, इस प्रकार के अप्रोचेस को सिस्टम अप्रोच यानी कि प्रणाली उपागम कहते हैं।
ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप समझ में आएंगे। अब जरा थियरी देख लेते हैं कि आपको एग्जाम्स में लिखना कैसे, और थियरी आपके बुक्स में कैसे दिया गया है, हार्डवेयर अप्रोच के बारे में और सॉफ्टवेयर अप्रोच के बारे में, और थोड़ा सा हम इसका डिफरेंस भी देख लेंगे, क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर अप्रोच एंड सिस्टमेटिक अप्रोच, सॉरी एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को हम थोड़ा सा थियरी रूप से देख लेते हैं। उपागम के बारे में, तीन उपागम जैसा कि मैंने बताया, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर सिस्टम अप्रोच। तो इसको अप्रोच मतलब उपागम, उपागम अध्ययन का वह तरीका या दृष्टिकोण है जिसके आधार पर किसी विशेष सामाजिक तथ्य की विवेचना की जाती है। अब हम सब जान गए कि शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान एवं सिद्धांतों का प्रयोग कर शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने की विधि शैक्षिक तकनीकी कहलाती है। तो हार्डवेयर अप्रोच का मतलब वह है कि शिक्षण में अभियंत्रण की मशीनों के प्रयोग को प्रथम कठोर शिल्प उपागम कहते हैं। कठोर शिल्प उपागम का जन्म भौतिक विज्ञान तथा इंजीनियरिंग से हुआ है। कठोर शिल्प उपागम को दृश्य श्रव्य सामग्री या मशीन प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, और इसे शैक्षिक तकनीकी का प्रथम भी कहा जाता है। ठीक है, इस तकनीकी के द्वारा ज्ञान का संचरित करना, प्रिजर्व करना, दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना या संप्रेषित करना और ज्ञान का विस्तार करना संभव हो सका। एग्जाम्पल के तौर पे सिनेमा, ग्रामफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, टीवी प्रोजेक्टर आदि, ये सब क्या हैं? कठोर शिल्प उपागम के पार्ट हैं, उदाहरण हैं, क्योंकि आप इन्हें छू सकते हैं। आइए थोड़ा सा इसको और विस्तृत तरीके से अगर आप एक आसान से शब्दों में कहेंगे तो कठोर शिल्प उपागम का मतलब ये होता है कि शिक्षा में प्रयुक्त होने वाली तकनीकी उपकरणों से जिनके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया को सरल, रुचिकर, पूर्ण एवं प्रभावशाली बनाया जाता है और शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्त किया जाता है। तो वह हो गया हार्डवेयर अप्रोच, उदाहरण आपने लिख दिया। ठीक है, कठोर उपागम को तीन वर्गों में बांटा गया है। तीन वर्ग कौन कौन से है? पहला श्रव्य साधन, मतलब वह साधन जो केवल सुनाई दे, जिससे केवल श्रवण इंद्रिया प्रभावित होती है। दूसरा दृश्य साधन, मतलब जैसे रेडियो इसमें आ गया। दृश्य साधन मतलब केवल जो दिखाई दे, सुनाई नहीं देता है। जैसे कि मान लीजिए आप देखेंगे जो क्लास होता है डिजिटल बोर्ड, वो केवल दिखाई देता है, मास्टर उस पर पढ़ाते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं, तो वो केवल दृश्य सामग्री हो गया। इसके अलावा अगर आप ब्लैक बोर्ड भी देखेंगे तो वो भी दिखाई देता है, चार्ट भी केवल दिखाई देता है, चार्ट के अंदर से आवाज़ नहीं आती, बोलता नहीं है। तो तीसरा हो गया श्रव्य दृश्य साधन, मतलब जो दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, जैसे आपका मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट कठोर शिल्प उपागम के बारे में। अब मृदुल शिल्प उपागम या फिर कोमल शिल्प उपागम या फिर सॉफ्टवेयर अप्रोच। अब कठोर में हमने वैज्ञानिक सिद्धांत देखा, भौतिकी विज्ञान और इंजीनियरिंग देखा, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे? मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ठीक है, कोमल शिल्प उपागम विज्ञान व तकनीक पर आधारित न होकर सामाजिक विज्ञान, यहाँ पे भौतिक लिख लीजिएगा, माफ करिए यहाँ पे गलती हो गया। मृदुल शिल्प उपागम भौतिक विज्ञान व तकनीकी पर आधारित न होकर सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान और विशेष करके अधिगम की मनोविज्ञान की आधारशील पर खड़ा है। कोमल शिल्प उपागम में शिक्षण तथा अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, और मृदुल शिल्प उपागम के अंतर्गत इनपुट प्रक्रिया, प्रोसेस प्रक्रिया और प्रदा आउटपुट तीनों पक्षों का विकास करने का प्रयास किया जाता है। मृदुल शिल्प उपागम को अन्य किन नापों से जानते हैं? शैक्षिक तकनीकी का द्वितीय उपागम, सनकनीय यानी कि असनकनीय अनुदेशन की मतलब इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, टीचिंग टेक्नोलॉजी और व्यवहार तकनीक। माफ करिएगा, ये इसके एग्जांपल्स हैं, ये इसके पार्ट हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी, अनुदेशन तकनीकी, ये सब किसके अंतर्गत आती है? मृदुल शिल्प उपागम के अंतर्गत आती है। और उदाहरण के तौर पर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, शिक्षण सिद्धांत, रणनीति आदि। ठीक, तो ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी? मृदुल शिल्प उपागम के अंतर्गत आएंगी। अगर हम इनके अंतर की बात करें, डिफरेंसेस की बात करें, तो हार्डवेयर अप्रोच में अभियंत्रण मशीनों का प्रयोग होता है, जबकि इसमें मनोविज्ञान के सिद्धांत का प्रयोग होता है। इसमें इस कठोर शिल्प उपागम को शैक्षिक तकनीकी का प्रथम कहा जाता है, जबकि इसको द्वितीय कहा जाता है। कठोर शिल्प उपागम के मशीन उपागम के भी नाम से जानते हैं, जबकि इसको अनुदेशन तकनीकी के नाम से भी जानते हैं। कठोर शिल्प उपागम का मुख्य आधार भौतिकी विज्ञान है, जबकि मृदुल शिल्प उपागम का मुख्य आधार मनोविज्ञान है। कठोर शिल्प उपागम का अविभार भौतिकी विज्ञान तथा अभियंत्री से हुआ, मृदुल शिल्प उपागम का अविभार शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के परिणाम से हुआ।
कठोर शिल्प उपागम सभ्य तिसरे सामग्री पर आधारित है, मृदुल शिल्प उपागम अनुदेशन तथा व्यवहार तकनीकी पर आधारित है, और कठोर शिल्प उपागम की पूर्णता के लिए मृदुल शिल्प उपागम का होना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, आप किसी को केवल बोर्ड से नहीं पढ़ा सकते, साथ ही साथ आपको मृदुल शिल्प उपागम जैसे कि मोटिवेशन हो गया, टीचिंग स्किल्स हो गए, लर्निंग थीरीज हो गए, ये सब भी यूज करना पड़ेगा कठोर शिल्प उपागम में, जबकि कठोर शिल्प उपागम के बिना भी मृदुल शिल्प उपागम का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों अब हम बात करते हैं शैक्षिक तकनीकी के तीसरे उपागम की। तो तीसरा उपागम आप सबको पता है कि प्रणाली उपागम होता है, और प्रणाली उपागम का मतलब, प्रणाली उपागम का अर्थ किसी भी कार्य करने के लिए पूर्ण नियोजन करना, अर्थात एक ऐसी प्रणाली बनाना जो कार्य को सही ढंग से करने में सहायक हो, और उसे प्रणाली उपागम कहते हैं। ठीक है, प्रणाली उपागम का मतलब, प्रणाली उपागम का प्रयोग शिक्षा के शैक्षिक तकनीकी के रूप में किया जाता है। प्रणाली उपागम, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रणाली उपागम क्या है, प्रणाली उपागम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच पुल का कार्य करती है। ठीक है, आधुनिक युग में शिक्षा जितनी हार्डवेयर उपागम तकनीकी मशीनी तकनीकी की आवश्यकता है, उतनी ही सॉफ्टवेयर उपागम या मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दोनों की आवश्यकता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जब इन दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है तो वह प्रणाली उपागम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए आप थोड़ा सा आसान से शब्दों में लिख सकते हैं कि उपयुक्त दोनों प्रणालियों, हार्डवेयर उपागम और सॉफ्टवेयर उपागम के साम्य यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित करने में शिक्षा की तकनीकी का विस्तार करने के लिए तीसरा पक्ष यानी कि प्रणाली उपागम बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया दोस्तों प्रणाली उपागम के बारे में। ठीक है, और प्रणाली उपागम के बारे में थोड़ा और लिख सकते हैं कि यह केवल कक्षा के अंदर की बात नहीं करता, ये प्रणाली उपागम का संबंध कक्षा के बाह्य परिवेश से भी होता है, जो व्यवस्था में व्याप्त कमियों या समस्याओं का उजागर करता है और वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर उसका समाधान निकालता है। इस प्रकार प्रणाली उपागम के द्वारा विद्यालय के प्रबंधन, प्रशासन और व्यवस्था संबंधी समस्याओं का समाधान करके उसे प्रभावशाली और कम खर्चीला बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों तीनों आपके कठोर उपागम, कोमल उपागम और प्रणाली उपागम, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टमेटिक अप्रोच। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि हार्डवेयर अप्रोच क्या होता है, सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या होता है और सिस्टमेटिक अप्रोच क्या होता है, और इसके डिफरेंसेस भी आप इजीली लिख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बेसिक चीजें, शैक्षिक तकनीक क्या होता है, उसकी अर्थ, परिभाषा, विशेषता, उपयोग, इन सारी चीजों के बारे में देखा, और हमने देखा कि इसके अप्रोचेस क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे शैक्षिक तकनीकी के टाइप्स के बारे में, उसके प्रकार के बारे में। ये जो चार प्रकार है उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो मुझे भी अपलोड करने में इशू होगा और शायद आपको लंबे वीडियोस देखने में थोड़ी सी इशू हो। तो अगले वीडियो में टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हम चारों शैक्षिक तकनीकी के प्रकार के बारे में देखेंगे कि उनके चारों प्रकार क्या होते हैं, उसके बारे में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे उसका आंसर करना है, बिल्कुल आसान से शब्दों में। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर दें, मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करें, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं जिसके आधार पर मैं अपने वीडियोस को और इम्प्रूव करूंगा। और अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें, एक अच्छी टीम बनाएं, साथ मिलेंगे, साथ पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा एक दूसरे से नॉलेज शेयर करके, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, मिलेंगे अगले वीडियो में टाइप्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी के साथ, शैक्षिक तकनीकी के प्रकारों के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत।